हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आम एंड टेस्ट। आज मैं बनाने लगा हूँ मटर और मशरूम का पुलाव। तो मटर और मशरूम लिए हैं हाफ कप, मशरूम को कट कर लेंगे, और हाफ कप चावल हैं, बासमती चावल हैं, इनको मैंने पानी में भिगो के रखा था करीब हाफ एन आवर। एक प्याज है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, लहसुन और नॉर्मल मसाले जो हम इसमें बताते जाएंगे। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करें। पैन में तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हींग और अदरक और लहसुन। इसको हल्का सा फ्राई करें। अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है, अब इसमें डालते हैं प्याज और इसे हल्का सा साइड ब्राउन होने तक तल लेंगे। प्याज की साइड हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई है, अब इसमें मैंने डाला है 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसे हल्का सा भूनने के बाद इसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच भुना हुआ गरम मसाला। इसे हल्का सा चला लें। इसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक, हल्दी और मेथी दाने। हल्दी को थोड़ा सा पका लें ताकि इसका कच्चापन इसमें ख़त्म हो जाए। अभी मैंने गैस की फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखी है। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले मटर और इसे करीब 2 से 3 मिनट तक हल्का सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। मटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें डालते हैं मशरूम जिनको मैंने बारीक कट कर लिया था, और उसके बाद इसको भी 1 से 2 मिनट तक ही फ्लाएं। मटर और मशरूम भून चुके हैं, अब इसमें डालूंगा 2 बड़े चम्मच दूध। इसे इसका जो ब्लॉक कलर है वो बैलेंस रहता है और दूध से इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो दूध को हल्का सा पका लिया है, अब इसमें डालेंगे हम चावल और करीब 2 मिनट तक फिर से भूनेंगे। चावल भी अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें बारी आती है पानी डालने की। तो 1 कप चावल था तो हम करीब 2 कप ही इसमें पानी डालेंगे, या 2 कप से थोड़ा सा कम, क्योंकि जो मशरूम और मटर हैं इनमें भी अपना पानी होगा तो वो भी इसे रिलीज करेंगे। पानी मिलाने के बाद इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच नींबू का रस। इसे मिला लें और इसके बाद इसे हमें ढक कर पकाना है करीब 10 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर। करीब 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैंने ढक्कन हटा के देखा है, पुलाव पक चुका है तो बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। तो अभी इसे हम गैस बंद करके थोड़ी देर रखने देते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।